दिलबाग सुन रहे हैं हाँ जी सर, हमको प्रॉब्लम है, जी बिहार से बिल्कुल। बोल रहे हाँ हैं हाँ क्या प्रॉब्लम है सर। वो सीधी जो बीमारी एक होती है ना जी? जी, वो है हमको। कैसे आपको पता चला कि मुझे ओसीडी की बीमारी है? सर वीडियो सर्च किया था, आप कैसे ऐसे हो रहा था, तो मैं एक बार डॉक्टर से भी दिखाया था तो डॉक्टर बताया। ठीक है, प्रॉब्लम कब से आपको? प्रॉब्लम सर, एक बार इस पे आप व्हाट्सएप भी है मेरा, तो आपसे कांटेक्ट होता रहता था पहले, आपको वीडियो कुछ भेजते थे, चाहे कभी आपसे बातचीत भी होती थी व्हाट्सएप से, तो आपको वीडियो देख के कुछ ठीक हुआ था बीच में लेकिन काउंसलिंग ट्रीटमेंट नहीं लिया आपने? जी। नहीं, केवल वीडियो देख के मैंने कम से कम 6-7 साल तक अपने आप को ठीक रखा था ओके ओके ओके, तो सर, लेकिन काफी फिर लंबे समय से है क्या प्रॉब्लम आपको? जी मेरे को है 2009 से, ओके ठीक है। लेकिन बीच में ठीक हो गया था बिल्कुल फाइनल सर, ठीक है। तो मैं सोचा कि ठीक हो गया, फिर इस अभी महीना दिन से मेरे को प्रॉब्लम चालू है क्या सिम्टम्स हैं आपके? क्या दिक्कत महसूस करते हो आप? सर। सिम्टम्स है एक ही चीज को बार बार देखना, एक चीज को बार बार देखना, जैसे जैसे घना पेड़ पौधा घना पेड़ पौधा। जी। ऐसा क्यों हो रहा है? आपने कभी महसूस किया? जी नहीं तो नहीं मतलब आपने कभी अपने आप से ये सवाल किया कि मैं क्यों देख रहा हूं? अगर मैं नहीं देखूंगा तो क्या होगा? देख रहा हूं तो क्या होगा? सर, ये देख सब हमको हमको देखने का ये बात है कि सर बार बार देखने से मतलब हमको इमेजिंग क्लियर नहीं होता है, मतलब डाउट टाइप की। हाँ आपको कि ऐसा लगता है कि मैंने उसको अच्छे से नहीं देखा, देख नहीं पाया? नहीं देखा, लेकिन मतलब मेरे को डाउट रहता है कि वो है पेड़ पौधा, मेरे को पता है कि है, लेकिन क्लियर मन में नहीं होता कि हाँ है। ये बात अगर मन में हो जाए कि हाँ पेड़ पौधा ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है। ठीक है। इसलिए क्लियर करने के लिए बार बार मैं देखता हूँ उसको कि हाँ पेड़ पौधा, थोड़ा देर के लिए हो जाता है कि हाँ यार ये तो पेड़ पौधा है, केवल इसमें ये क्या पेड़ दिक्कत। पौधों को लेके ही होता है या घने पेड़ पौधों को लेके होता है या किसी और चीजों से रिलेटेड भी है? जी ये है कि मतलब एक बार पहले पेड़ पौधा से था, उसके बाद आसमान की तरफ अच्छा, आसमान से क्या दिक्कत है? सेम हैं? अच्छा, से सेम कि मैंने हाँ देखा है कि नहीं देखा, इमेजिनेशन अच्छे से बन नहीं पाती है। नहीं नहीं सर, मतलब क्लियर नहीं हो फिर आप पाता जब है तक क्लियर नहीं होता तब तक देखते रहते हो। जी, बार बार देखते हैं उसको क्लियर हो जाता है थोड़ा देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए, उसके बाद अच्छा महसूस होता है और फिर वही कहानी। ओके, अगर आप उसको जो अनक्लियर ही छोड़ दें, मतलब क्लियर करने की कोशिश ना करें, तो क्या होगा? आपको बेचैनी होगी, घबराहट जी होगी, जी डर भी लगेगा। जी डर डर तो उस डर क्या है? डर लगता है बस, और मतलब कुछ होने का डर लगता है, मतलब कि मसाला कहीं मेरा भविष्य में कमा नहीं पाऊंगा, ये वो नवसत्रे भविष्य खराब हो जाएगा सर। अच्छा, पेड़ पौधे हो गए, आसमान हो गया, और कोई कुछ चीजें? नहीं तो बाकी तो अब नहीं है कुछ सर, थॉट आता है ओके ओके ओके, ठीक इसके है। प्रति भी थॉट आता है, और मतलब अलग से भी आते हैं थॉट, इसका कोई हर हिसाब नहीं है, कुछ भी आ सकता है। देखिए, ये ना पैटर्न स्ट्रांग हो चुके हैं, ठीक है, तो माइंड की एक आदत भी बन चुकी है। अगर इसको देखें तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि उनको एक बार देख लिया, अच्छे से नहीं भी दिखा तो क्या असर है आपकी लाइफ पर? आसमान, आप उसको अच्छे से देखो चाहे ना देखो, आपकी लाइफ में कुछ उसका इफेक्ट आएगा क्या, असर आएगा क्या? ऐसे पेड़ पौधों का है, वो पेड़ खड़ा है, हवा तो आपको इतने, आपने बताया कि 2009 से प्रॉब्लम है आपको, देखो कितने साल हो गए, 12-13 साल से प्रॉब्लम आपको है ना। तो क्या आपका कभी सांस रुका कि आपने पेड़ क्लियर उसकी इमेजिनेशन नहीं देखी और आपको सांस नहीं आया हो? नहीं तो सर बात तो देखो उसको समझने की है, जी, और समझ आपको आ जाएगी धीरे धीरे, आप इसके ऊपर काम करेंगे तो, काउंसलिंग में और चीजें मेरे साथ अगर आगे करेंगे तो हो जाएगा। और उन आदतों को तोड़ने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस तो देखो आपको करनी पड़ेगी। सर जानते हैं सर ऐसे हो जाता है ना कि कभी कभी ऐसे हो जाता है कि शरीर में जान नहीं है बिल्कुल, मतलब क्योंकि सारी एनर्जी आप उसी विचारों में घूमती रहती है ना। जी मतलब सर कि मतलब सो के जगे तो फिर वही, जितना प्रशांत रहे तो ठीक है, फिर जगे तो फिर वही है, जी।
समझ नहीं पा रहा है सर। हाँ कोई नहीं, चिंता मत करो आप, हो जाएगा सब ठीक, लेकिन कोशिश आपको खुद को करनी पड़ेगी, देखिए ठीक है। हाँ।